अभी 117 पे ना, अभी मैं ब्रेक लगाता हूँ, देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वापसी जाना, मतलब एक दिन के लिए आया था, मैंने आना जाना करना था, तो आज वापसी भी जाना है। और ये बच्चे शरारती बहुत हैं, तो मैं कह इनको देख कर रहा है, क्या कर रहा है तू? देख 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 देख, कैमरे पे चप्पल मार रहा है। हर्षी तेरी वीडियो बन रही है। हाँ ये बहुत शैतान है। ये दोनों हैं, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। और जीता कौन है? लड़ाई का नाम ही ले रहा है, आपस में लड़ पड़े लड़ाई का। बस बस, ये भाई अपने आप कंटेंट दे रहे हैं। क्या बोलेगी? मक्खन ले ले, लगा दे। तू सिर्फ लगाती है मक्खन वैसे भी। कल से बैरी आज आज तो हूँ, कल तो हूँ नहीं, कल तो आज तो जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, करो हेलो। ये बहुत शैतानी करता है, ये चाने मारता है मुझे। नहीं ऐसे नहीं करना, ये बहुत मारता है। ये इसके बच्चे हैं, ये इसके बच्चे। तो ये ऐसे पागल, ये इसके ऊपर गया है, और ये जीजा जी के ऊपर गया है, ये इसके ऊपर गया हुआ है। वो रसोई से भी देख रही है गुस्से में। तो अब क्या, हम खाना खाते हैं, तो मिलता हूँ आपको बाद में। खाने के क्यों न्यूज़ बना रहे हो? न्यूज़ न्यूज़ खाने की क्यों क्यों न्यूज बना रहे हो? चलो बाय। तो राइट नाउ अभी हम आ चुके हैं मेन हाईवे पे। अब सामने से रास्ता टूटा हुआ है, अब राइट को मोड़ लेते हैं, हम राइट से निकल जाते हैं अपना। लड़कों को यही होता है कि एक बार याद हो ना, रास्ता सारा याद हो जाता है। देखो भाई साहब, रोक के सारा ही और ले रहा है सामान अपना। और यार ये गांव में रहने का ये फायदा है, आसपास सारा खेत ही खेत, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मैं जब घर में था तो उधर से पहाड़ दिखाई दे रहा था बालकनी से घर की। चलिए चलते हैं अब अपना पकवाड़ा। सब पे मेहर करना, हर बंदा हंसता खेलता घर को जाए, यही दुआएं हैं। सबकी दुआएं मांगो, उसमें तुम भी शामिल हो गए यार, सबके बीच में तुम ही हो। अगर अपनी अपनी मांगोगे तो सेल्फिश कहलाए जाओगे भगवान की निगाहों में। इसलिए कुछ दुआएं मांगनी है तो अपने भी मांगो, सबकी मांगो, सब में तुम आओगे। तो यार ये ऐसे हाईवे है कुछ, यार मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा जो मैं घर जाके अब वहाँ पे पहुँच के, जब मैं उधर से आ रहा था, आते कि अपनी वीडियोस देख रहा था, तो वीडियो में भाई साहब आवाज़ ही नहीं आ रही, बहुत इतनी कम आवाज़ आ रही है ना, मुझे गुस्सा आ रहा था। मगर यार ये क्या पंगा है यार। अब देखता हूँ लैपटॉप में एडिट करूँगा, उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊँची करूँगा, स्केल उसका बढ़ाकर बनाऊँगा। यार राइडिंग जैकेट का फ़ायदा है कि आपकी सेफ्टी रहती है, ठीक है। और गर्मी चलो लगती है वो पता लग गया, पर जितनी देर बाइक चल रही है ना आपकी ऐसे नॉर्मली, तब तक आपको ना गर्मी लगेगी ना कुछ लगेगी, क्योंकि विंड हीटर लगे हैं इसके बीच में जैकेटों के, तो हवा क्रॉस होती रहती है आराम से इसके बीच में। ये मेन चंडीगढ़ के रास्ते को कनेक्ट करती है ना, जलंधर से चंडीगढ़, इसलिए सड़क ज़्यादा अच्छी है बनाई हुई है। चलो थोड़ी स्ट्रेच स्ट्रुच करते हैं अपनी भी, है ना, क्योंकि डेढ़ बज चुका है, 5 बजे लॉकडाउन लगना है, 1.5 घंटे का रास्ता है। पिछली बार मैं देख रहा था कि व्यू अब इतना वो खास आ नहीं रहा था, अब मैंने थोड़ा सा और ऊपर किया है कैमरा कि आपको जो व्यू है वो क्लियर दिखाई दे, आपको व्यू भी सही आ जाए। पर क्या सड़क है यार, सड़क तो मक्खन मक्खन सड़क है। एक तो हेलमेट मेरा थोड़ा सा छोटा है और उसके अंदर दो दो वो माइक लगे हुए हैं,
वो भी अपने चिन पे अब टच होते हैं तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, और ऊपर से मैं फिर वो जो जो नोक होती है जो बांधने वाली गले के पास, वो मैंने टाइट की हुई है। तो अभी जस्ट मैं अपना बंगा क्रॉस कर चुका हूँ, मतलब 15 किलोमीटर आगे आऊँगा आगे। पर ये है वापसी टाइम ना रास्ता पता नहीं लगता, जल्दी जल्दी कटना शुरू हो जाता है जाते टाइम। आपको ये भी है जाते टाइम आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है कौन सा मोड़ है कौन सा मोड़ है। ठीक है, पहले मुझे ये लग रहा था इसके सामने जो रास्ता कहीं इसके सामने रास्ता है, फिर मैंने याद किया मगा अभी तो बंगा भी नहीं आया। वही है जाते टाइम आपको रास्ता पता होना चाहिए, तो इजीली गाड़ी सीधी घर के बाहर जाके ब्रेक लगती है। अब मुझे वापसी टाइम का घर का रास्ता पता अपने, तो बाइक को चलाते मुझे इतना फील नहीं हो रहा, तो मतलब नॉर्मली जैसे कि बाइक अपनी चलानी है वैसे चला रहा हूँ, घर के सामने जाकर ब्रेक बजेगी तो इसलिए रास्ता फील नहीं होता कि कितना रास्ता रह गया। पता नहीं भाई कौन कब रोड क्रॉस करता है, अपने मर्जी मुताबिक मन के मुताबिक निकलता हो, इसलिए पहले ही अपना हॉर्न बजाओ भाई पीछे ही रहो। ये टोल आ गया टोल टैक्स, वैसे भी बाइकों को तो टोल लगता नहीं, और वैसे भी पंजाब में अभी टोल फ्री हुए हैं बड़े हैं सारी। यार इस बाइक पे ना मज़ा इसलिए है मेन हाईवे पे, ये इसकी जो ग्रिप है ना बड़ी एंड गाल बात, जो इसकी ग्रिप है ना वो एंड गाल बात है पूरी। स्टेबल बहुत ज्यादा है यार भाई ये, अगर आप RR 310 लेने की सोच रहे हो तो भाई अगर आप देख लो ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं है बाइक, पर आप कर सकते हो अपनी। ठीक है, तो दूसरी चीज ऑफ रोडिंग में अभी मैंने जस्ट थोड़ी सी चलाई थी मतलब ये बाइक, पर ना उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उस पर ऐसा लगता है गया अब गया ये गया टायर गया टायर स्लिप होगा ऐसा लगता है। पर ये जो ऑन रोड है ना इसकी स्टेबिलिटी इतनी तेज है भाई, 111 पे है, मैं सच्ची बता रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है अभी ब्रेक मारो यहीं पे खड़ी हो जाएगी बाइक, ब्रेकिंग इतनी अच्छी है ऐसा लग रहा है अभी ब्रेक मारो अभी रुक जाएगी, मतलब ये अगला बोरा इससे पहले पहले 110 पे रुक जाएगी। ठीक है, इसकी ब्रेकिंग पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। दूसरी चीज कि इसकी जो ग्रिप है ना पीछे पैरों की जो बाइक नीचे बिछ के चलती है फर्स्ट क्लास भाई, अभी 117 पे ना अभी मैं ब्रेक लगाता हूँ देखना 50 पे आ गई, एक या दो सेकंड लगते हैं सीधी डाउन, 111-112 पे से सीधी 50 पे आ गई। तो मतलब ब्रेकिंग इतनी पावरफुल ब्रेकिंग है इसकी ABS ब्रेकिंग। देखो मुझे मैंने पहले ये भी बाइकें चलाई हुई, ये नहीं बाइक चलाई नहीं, हाँ मेरी जो डोमिनर बाइक है वो बाइक की जो पिछली ब्रेक है वो पावरफुल नहीं है, वो मतलब एक हिसाब की वो ब्रेक फेल है, वो ब्रेक अगर जोर से लगाओगे वो मतलब राम भरोसे गया ABS काम पता नहीं क्या काम करता, मुझे समझ नहीं आती उसकी तो ABS मैंने ठीक भी करा चुका हूँ, मैंने ABS पागलों की तरह ठीक करा चुका हूँ, मतलब मैंने पूरी ब्रेक पिछली निकाल दी ABS की उसकी, तो पूरी मैच करके देख ली जो इसके लगी है सेम उसके लगी है, बट मुझे नहीं पता लग रहा वो क्यों नहीं चलती भाई साहब। मैंने वो मैं मकानिक के पास गया था, उसके पास खड़ा होके इस ब्रेक को मैंने देखा उसके ब्रेक को देखा, जो जो स्पेयर पार्ट डले हुए हैं इस ब्रेक इसके RR 310 के सेम ही उसी के डले हुए हैं, पर वो ब्रेक ऐसे लगती नहीं जो उस पर लगती है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार। ऑन रोड हाईवे मस्त मक्खन,
अभी एकदम से बाइक रोकनी पड़ी मुझे, बिकॉज इसका जो माउंट है ना, माउंट वो गिरने लगा है एकदम से, पता नहीं क्यों ढीला हो गया, गिरने लगा था, ऐसा लगा उतरने लगा। मैंने कहा बाइक रोक के एक बार चेक की जाए। मैंने पहले बताया ये राइड जो है मैं फुल इंजॉय करने के लिए चला रहा हूँ, कोई गाली नहीं कर रहा, मतलब घर पहुँचने की। जब मुझे कोई दिक्कत लगेगी, जब कोई दिक्कत लगेगी, भूख लगेगी, रोक के खा पी के चलेंगे आराम से मजे मजे में। क्योंकि एक बार मैं सोच रहा था ऐसे भी राइड करके देखते हैं क्या मजा आता है यार। क्योंकि पहले मुझे होता था यार जल्दी से जल्दी अपना एक जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए, कितने कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में। और लुधियाना फुपारा शाहपुर सही है, तो बंद ही हो गए सारे रेस्टोरेंट अभी तो वैसे तो। चलो यार बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। अच्छा तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो घर आने के बाद अब नाइट का टाइम था, तो मैं वीडियो खत्म करनी थी, वीडियो खत्म करने लगा तो भाई अपने पैरों पे वैक्स कराने लगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं कहा चलो वीडियो में लिया जाए इस पार्ट को, अब वीडियो में लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये पता नहीं मुझे इसकी शक्ल देखो, शक्ल देख के लग रहा है किसी एंगल से करा सकता है, अभी देखना जस्ट आदि दाढ़ी कराई थी ना अपनी। चलो अभी कुछ भी नहीं यार, इतने बाद यहाँ से कहने हो गया इतने, तू अंदर गोरा है, अंदर गोरा मैं। वन टू थ्री ठीक है, कुछ फील नहीं है, कुछ भी है। ये देखो ये बाल देखो, ये बाल देखो भैया की वीडियो में, भाभी को मजा आ रहा है। तो सच्ची कुछ नहीं है, कितना फील हुंदा लेकिन आप पागल है, तू राउंड में बैठा ट्राई करना पटते करो ते पटते नहीं, पट में भी एक ट्रिक होती है वो, ऐसे एकदम है ना स्ट्रेच करके फेर कर दी सख्त लोंटा निकला ये तो यार। तो चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बेचारा कुछ नहीं कहता वा, सिर्फ आज बिना बोले इतना कंटेंट देता, बेचारा दर्द भी नहीं बता पा रहा। ये मेरा सीक्रेट है बाबी के साथ, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। ओके बाय बाय।